नहीं होने देंगे नई सरकार का शपथ ग्रहण। राजपूत समाज ने चेतावनी दे दी है। आपको बता दें, राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है। हत्याकांड के विरोध में राजपूत समाज पूरे प्रदेश भर में धरना दे रहा है। प्रदेश बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसके चलते बाजार बंद है। इस बीच कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी है कि जब तक गोगामेड़ी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक राजस्थान में नव निर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद बहुमत बीजेपी के पक्ष में आया है। 1 या 2 दिन में सीएम का ऐलान कर दिया जाएगा, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। मगर गोगामेड़ी की हत्या की वजह से प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। गोगामेड़ी समेत 2 लोगों की हत्या के बाद से आज राजस्थान में तनाव का माहौल है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है। आपको बता दें कि जो लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, उसने लिखा है कि भाइयों, आज सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई है, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यह हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह गोगामेड़ी हमारे दुश्मनों की मदद करते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक हमारे दुश्मनों की बात है, उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए, हम जल्द ही उनसे भी मिलेंगे। जयपुर बंद के आह्वान के बाद राजपूत समाज भी टोलिया शहर की सड़कों पर निकल चुकी है और जहां जहां दुकानें खुली है उन्हें बंद करवाया जा रहा है। कई जगहों पर माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है, इन टोलियों के व्यापारियों के साथ आपस में उलझने की बात भी सामने आ रही है। इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक उनका इंकाउंटर नहीं हो जाता, क्या यूपी से, यूपी में भी यही बीजेपी सरकार है और योगी बाबा बैठे हैं, तब वो हजारों अपराधियों का इंकाउंटर कर सकते हैं। तो आपका तो अभी चेहरा आया भी नहीं है सीएम का, सीएम की घोषणा नहीं होने देंगे जब तक हमें न्याय भी मिलता। जब तक सीएम का चेहरा, सीएम को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? सही है। प्रधानमंत्री जी आएंगे शपथ में तो हमें पूछ के आएंगे, हमें न्याय दिला के फिर यहाँ पे कदम रखेंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं? यही बैठे रहना है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कितना लंबा आंदोलन होगा, क्योंकि आनंदपाल इंकाउंटर में जब 30 दिन का आंदोलन होता है तो हम 200 दिन भी बैठ के चाहे न्याय मिले, जब तक मिले तब तक हम बैठे रहेंगे। और बाकायदा जिंदाबाद, अरे नहीं भाई, जिंदाबाद को समय बना, अरे आप अच्छे न्याय मिली जब तक बैठे रहे वहां को नहीं। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।